CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। कोटा नगर निगम में सिने संध्या में महंगे सिने कलाकार को बुलाने पर हो रहा विवाद खत्म हो गया है। इसके लिए नगर निगम में बुलाई गई बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय कर 58 लाख रुपए खर्च कर बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम को बुलाने के बजाय उसके स्थान पर सिंगर कुमार चानू को बुलाने का निर्णय किया गया। कुमार चानू को 27 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा, बाकी बची हुई 30 लाख रुपए की रकम को कोटा में आई बाढ़ के पीड़ितों में बांटा जाएगा। बाढ़ ग्रस्त कोटा में नगर निगम द्वारा 58 लाख रुपए खर्च कर सोनू निगम का चौतरफा विरोध हो रहा था। महापौर महेश विजय ने कहा कि ये 126वां दशहरा मेला है और इसकी भव्यता में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। महंगे कलाकार की जगह कम कीमत का कलाकार बुलाकर बची हुई रकम बाढ़ पीड़ितों में बांटी जाएगी। इसके लिए अधिकारियों को जिला प्रशासन से कोऑर्डिनेट कर राशि के वितरण की व्यवस्था देखने के लिए कहा गया है। वहीं मेले को भव्य बनाने के लिए विंटेज कार रैली का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा बैठक में मेले में दुकानों के आवंटन, झूलों के लिए जगह देने संबंधी निर्णय भी लिए गए। इस दौरान बैठक में निगम आयुक्त नरेंद्र गुप्ता, उपायुक्त कीर्ति राठौर, महापौर महेश विजय के अलावा मेला समिति चेयरमैन राम मोहन मित्र व मेला समिति सदस्य मौजूद रहे। मेले की व्यवस्थाओं को लेकर भी प्राथमिकता से चर्चा हुई। लाइट, साउंड, टेंट, तीनों विषयों के टेंडर फाइनल करें। 4 दिन बाद से नवरात्रा के साथ ही मेला की स्थापना का कार्यक्रम है। अधिकारियों को समय रहते हुए ये सारे विषय निपटाने के निर्देश दे किए। साथ ही साथ अहम विषय जो था, सोनू निगम के स्थान पर दूसरा कलाकार बुलाया जाए, ताकि जो महंगी उसकी रेट्स हैं उसको लेकर कुछ टिप्पणियाँ आई थी, और वर्तमान माहौल के हिसाब से ये हमें भी लगा कि बाढ़ पीड़ितों की मदद की जाए। उस फंड में से लगभग 25 लाख के लगभग का कलाकार बुलाकर बाकी राशि जो 58 लाख का कलाकार था उसके लिए अधिकारियों को कहा है, उस राशि को बाढ़ पीड़ित को कैसे मदद की जाए वो जिला प्रशासन के साथ जुड़कर तय कर लें। कौन सी वस्तु की आवश्यकता उनको है वो निगम द्वारा प्रोवाइड कराई जाए, और बाकी जो व्यवस्थाएं थी उन पर सब पर चर्चा की। छोटे छोटे बहुत सारे विषय रहते हैं। दशहरा शान के साथ भरे, ये परंपरागत 126वां दशहरा मेला है, इसमें कोई कोताही नहीं होगी।